बोल बोल कर आज पॉलिटिकल लीडर्स के गुलाम मुसलमान कौम को बनाकर आज हम लोग तरस रहे। हमारा हिजाब का मसला हल करो, हमारा ट्रिपल तलाक का मसला हल करो, हमारे मस्जिद का मसला हल करो, हमारी बाबरी मस्जिद चले गई आप रहम करो बोलकर कभी अन्ना के पास जा रही, कभी अय्या के पास जा रही, कभी स्वामी के पास जा रही, कभी औरत कौन से के क्रिश्चियन भाई के पास जा रही। हम खुद ताकतवर बनकर वहां पर जाकर आवाज उठाने की सोच ना पैदा हो रही है। अगर पैदा हो रही है तो कुछ लोग उसे दबा दे रही, कई को दबा दे रही। मेरी सियासत, मैं सियासतदान रहना, पूरी कौम मेरे पीछे रहना बोलकर। अभी देखो हिंदुस्तान में जब से हमारे एक्सी एमएलए साहब बोले, कौन सी कौम भाई, जरा हमारी हिस्ट्री पर नजर डालेंगे, 800 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला मुसलमान आज पूरे पंचर के दुकाना मुसलमान के, पूरे टेलर के दुकाना मुसलमान के, पूरे ऑटो रिक्शे मुसलमान के, पूरे माउस के बंडे मुसलमान के, पूरे फल्ली के बंडे मुसलमान के। कौन मुसलमान, जरा पलट कर देखो। मस्तान वली साहब एक एमएलए भी बोले, पूरे लाल किला, ताजमहल, जितने भी बड़े बड़े इमारतें हैं, पूरी की पूरे मुसलमानों के, पूरे बादशाह मुसलमाना, 800 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला मुसलमान आज फल्लिया में, पंचर में, मैकेनिक में है। ये क्या वास्ते, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है हमारे पास। हम लोग अभी भी कभी हम सोचते हैं कि उन्हों बीजेपी के गोद में बैठकर था, अब इसे जिता लो, इन्हों इनडायरेक्ट बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, फिर उसे जिता लो। कभी उसे जिताने में खुश, कभी इसे जिता कर खुश, कभी उसे हरा कर खुश, कभी इसे हरा कर खुश। मुसलमान खुद इख्तदार में आने का सोचा नहीं। इसलिए भाइयों, मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई से ताल्लुक रखता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह 2009 जून की 21 तारीख को दिल्ली में एसडीपीआई का अनाउंसमेंट हुआ। अनाउंस करने से पहले बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल से, उलमा इकराम से, रियासतों में जाकर हमने हर बड़े बड़े मुस्लिम लीडर से टच करे, टच कर कर बोले, देखिए आज हालत ऐसी है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हमारी औरतों पर जुल्म हो रहा है, मसाजिद पर जुल्म हो रहा है, आरएसएस आइडियोलॉजी हिंदुस्तानी भाईचारे को खोखला करती जा रही है, सियासत पर हमें बाजू हटा दिए हैं, क्या करना, हमें पॉलिटिकल एक प्लेटफॉर्म मजबूत करेंगे। ये गर्ज से गए तो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स उलमा इकराम क्या बोले, आपके पास पैसा है सियासत चलाने के लिए, आप नहीं जा सकते सियासत में, आगे नहीं जा सकते। आपके पास एक बड़ा चेहरा है, सलमान खान, शाहरुख खान, रोजा, फला फला के जैसा वो चेहरा भी नहीं है, आप नहीं जा सकते। आपके पास खानदान है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी, फला फला के जैसा एक सियासी खानदान भी नहीं है। आपके पास खानदान नहीं, आपके पास पैसा नहीं, आपके पास एक बड़ा चेहरा नहीं, आप सियासत नहीं चला सकते। बोले सो लोग, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों को बाजू हटाकर एसडीपीआई के लोग सारे हिंदुस्तान में काम करें। आज 18 स्टेटों में दलितों के साथ, एससी के साथ, एसटी के साथ, सब के साथ मिलकर एक मजलूमों की ताकत बनी है एसडीपीआई। इसीलिए मैं ऑर्गेनाइजर से गुजारिश है, पार्टी के ताल्लुक से नहीं बोलना बरकर, मैं माफी चाह रहा हूं, पार्टी का नाम नहीं लूंगा इंशाल्लाह, मगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है भाइयों। देखिए 14% हमारा यहाँ पर परसेंटेज है आंध्र प्रदेश में, क्या 14% के हिसाब से पॉलिटिकली हमारे को रिजर्वेशन दिया जा रहा है? 14% बोले तो 175 एमएलए में लगभग 25 एमएलए हमारे रहना, 25 एमएलए के बजाय 4 एमएलए, एक एमएलसी, एक फला फला को देकर आप खामोश रहना, आपको ओहदा मिल गया बोलकर जो भी सियासत में आ रही है इख्तदार में पार्टी, कुछ भी हमारे मसले हम लोग हल नहीं करे तो ऐसी सियासी इख्तदार पर हमारे को, ऐसी सियासी इख्तदार को लेकर हम क्या करना। हमारा जब एक डिमांड असेंबली में पूरा नहीं हो रहा है, हमारा रिजर्वेशन पूरा नहीं हो रहा है, हमें 25 के अतराफ में सीटें नहीं दी जा रही, तो ऐसी सियासत को लेकर क्या करना, इसके बारे में भी ये मुस्लिम ऐक्य वेदिका थोड़ा सोचना है। जो सियासी लीडर कौम के लिए, पिछड़े तबकात के लिए, दलितों के लिए, एससी एसटी के एम्पावरमेंट के लिए, हमारी तालीमी एम्पावरमेंट के लिए काम करता है, मुसलमान कौम, दलित, एससी एसटी कौम, वो पॉलिटिकल पार्टी का साथ देना बोलकर मैं आज आपके सामने एक रिक्वेस्ट रख रहा हूं। वरना हमें कभी ये पार्टी के नीचे, कभी वो पार्टी के नीचे, हमारे जिंदगियां खत्म हो जाएंगे।
आज हम फल्ली बेचने वाले तो हैं, कल को अगर इख्तदार बीजेपी के हाथ में पूरा चले गया और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन गया तो अभी डेमोक्रेसी पर हिंदुस्तानी मुसलमानों को चलने नहीं दिया जा रहा है। आगे चलकर और ज्यादा मुसीबत आएंगी। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पीछे से हमारे अय्यूब भाई, हमारे जियाउर रहमान भाई जल्दी खत्म करो बोलकर बोल रहे हैं। ये इंशाल्लाह अगर ऐसी मजलिस फिर एक मरतबा होने पर मैं और एक मरतबा आपके सामने तफसीली एक रिपोर्ट पेश करूंगा। बीजेपी से अलग होने पर, बीजेपी से हटने पर जियाउर रहमान साहब जो जनसेना पार्टी खोले हैं, दिल की गहराइयों से मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। ऐसे लीडरों की भी जरूरत है जो छुपकर खुलकर जो भी है साथ नहीं देना है। फिस्ताइत के खिलाफ में ऐसा निडर होकर मैं तेरे को लात मारता हूं बोलकर निकलने की आज जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, लेकिन बहुत अफसोस है कि आपने अपनी पार्टी का नाम यहाँ पे लिया, लेकिन हम लोग पहले से शुरू से बोल रहे हैं कि किसी पार्टी का नाम या जो मैं पार्टी छोड़ा उसका नाम भी लेना यहाँ वाजिब नहीं होगा, क्योंकि एक आदमी की बढ़ाना भी एक आदमी गिराना भी वाजिब नहीं है। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि किसी की तरफ उंगली मत दिखाओ, किसी के बारे में मत बोलो, अपनी पार्टी के बारे में मत बोलो और किसी और पार्टी के बारे में उंगली मत उठाओ, किसी और लीडर के बारे में गलत मत बोलो या तारीफ मत करो। बस यही गुजारिश है कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान की जो प्रॉब्लम्स आपने बोला रिजर्वेशन के लिए, बहुत अच्छा मसला कि आपने किया। पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जरूरत है आज, इंशाल्लाह पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बारे में बात किया आपने, बहुत अच्छा किया। बट आपने जो पार्टी का नाम लिया वो अफसोस है, आगे चल गया आप अगले जो भी लीडर्स आने वाले हैं इंशाल्लाह इस बात का ख्याल रखते हुए सिर्फ मुसलमानों के जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात करेंगे, मुसलमानों किस तरीके से हम इंसाफ करते हैं उसके बारे में बात कर सकेंगे इंशाल्लाह, वो बहुत खुशी होगी। और अभी अस्सलाम वालेकुम, सिराजुर रहमान साहब भी आ गए, अभी थोड़ी देर के बाद उनकी तकरीर होगी इंशाल्लाह। अरे मौलाना माजिद साहब, नहीं आपका आप नहीं बात करना है तो बात कर लो अभी, क्योंकि सीरियल से आएगा नंबर एक एक के प्लीज। अच्छा आप नहीं बात करना चाहते तो अब नेक्स्ट कौन है? नजीर अहमद साहब आ जाइए प्लीज, आप बाद में बात कीजिए प्लीज। नजीर अहमद, क्योंकि यहाँ पे कुर्बानी का नहीं है, एक आदमी किसी को लाइन जो जिस पर जिसका नाम लिखा है उस तरह से आगे बढ़ेंगे प्लीज। तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, दोस्ती भी नहीं है प्लीज। अब सिराजुर रहमान साहब का टाइम मैंने 1:30 टाइम दिया, 1 बजे से पहले मैं भी दे दूंगा।